जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो एशिया कप का दोस्तों 9th ODI मैच होने वाला है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। किसे रखना है, किसे नहीं रखना, कैसी पिच रिपोर्ट रहने वाली है, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, इस मैच की सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे एशिया कप का 9th ODI मैच खेला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम डेट की बात करते हैं तो 10 सितंबर 2023 को ये मैच खेला जाएगा। टाइमिंग की अगर दोस्तों बात करूं तो 3 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, 2:30 पे टॉस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ो। उससे पहले बोल रहा हूं, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो दोस्तों तो याद से जुड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो, आपका है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम वेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो आर प्रेम दास स्टेडियम दोस्तों जो कोलंबो में है वहाँ पर ये मैच खेला जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ आर प्रेम दासा स्टेडियम की, तो यहाँ पर कैसे पिच होने वाली है तो याद रखिएगा, वैलेंस पिच होने वाली, ना ही आपको ज़्यादा स्कोर मतलब हाई देखने को मिलेगा, ना ही लो देखने को मिलेगा। और पहले जो बैटिंग करेगा उसके लिए आप मान सकते हो थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, और सेकंड बैटिंग करने वाले के लिए आप थोड़ा मान सकते हो थोड़ा सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। पर याद रखिएगा कोई सी भी पिच ऐसी होती है जब अगर कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है तो फिर इजीली आउट नहीं होता, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जब वो गलती करेगा या कोई शॉट कनेक्ट नहीं हुआ तो आउट हो सकता है, नहीं तो वो इतने आसानी से आउट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हो वेन्यू विल भी एवरेज स्कोर दोस्तों देख पा रहे हो, यहाँ पर 240 है इस वेन्यू का एवरेज स्कोर, ठीक है, इतना तो आपको बनाना होगा, 250 तो आप गेम में हो, और बहुत कम चांस होगा कि उसे आप डिफेंड कर लो, क्योंकि दोस्तों T20 और ODI मैचेस में डिफेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना याद रखिएगा। इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा जो भी टॉस जीतता है बॉल फर्स्ट पहले करना मतलब चेस करना पसंद करता है, इसलिए बॉल फर्स्ट बोल देता है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो विकेट इज़ गुड फॉर पेसर्स, पेसर्स के लिए ये विकेट बहुत अच्छा होने वाला है। और याद रखिएगा पाकिस्तान के तो जो मैन बॉलर होने वाले हैं आपके पेसर्स ही होने वाले, स्पिनर्स तो आप मान सकते हो उनके पार्ट टाइमर्स हैं और वो उससे अच्छा वो बैटिंग कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हो पेसर्स की, यहाँ पर 65% मदद है बॉलर्स में, ठीक है, और अगर आप स्पिनर्स की बात करोगे तो 35% मदद आपके स्पिनर्स को, तो स्पिनर्स को कम मदद है, जबकि लास्ट मैच में उल्टा था यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। पर वहाँ पर किसने विकेट लिए थे पाकिस्तान की ओर से, तो सारे के सारे विकेट आपके पेसर्स ने लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो उनकी मैन वेल जो बॉलिंग भी होती है दोस्तों हमेशा पेसर्स ही होते हैं। देखिए दोस्तों सब आगे बढ़ो, सबसे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो याद रखिएगा विजन इलेवन सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, विजन इलेवन पर दोस्तों आपको 515 रुपये में कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, वही यहाँ पर आपको ड्रीम इलेवन पर देखने को मिलेगा 575 रुपये, इसमें 60 रुपये ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो और भी आप देख पा रहोगे ये तो 5 ही कॉन्टेस्ट हैं, इससे भी ज़्यादा आपको 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो ड्रीम इलेवन पर महंगे देखने को मिलेंगे, अंदर एंट्री फीस ज़्यादा लगेगी और यहाँ पर विजन इलेवन पर कम लगेगी। तो विजन इलेवन सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की, इसलिए एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा इस्टा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा रिसेंट मैचेस ऑन वेन्यू, इस ग्राउंड पे जो लास्ट मैचेस हुए हैं 3 उनको देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये 26 अगस्त को ये मैच खेला गया था, पाकिस्तान टूर कर रही थी आपका अफगानिस्तान का, तो वहाँ पर हुआ था ये स्टेडियम पर, इसी स्टेडियम पर हुआ था, ठीक है, 26 अगस्त 2023 को, मतलब अभी लास्ट मंथ में ही हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 3rd ODI मैच था और यहाँ पर आपकी सीरीज डिसाइड हो चुकी थी पहले ही, पर यहाँ पर फिर भी आपके पाकिस्तान मतलब क्लीन स्वीप किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर 268 बनाए थे यहाँ पर, ठीक है, 50 ओवर में 8 विकेट लॉस्ट करके, और आपके अफगानिस्तान तो आप मान सकते हो अगर उस दिन मुजीब रहमान नहीं मारते इतने रन तो आप मान सकते हो अफगानिस्तान 150 पर ऑल आउट हो जाती, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब चेस करना डिफिकल्ट है, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रोगे पाकिस्तान की ए टीम ने दोस्तों पहला बैटिंग करते हुए यहाँ पर 50 ओवर में 352 बनाए थे 8 विकेट लॉस्ट करके, और फिर यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो कि इंडिया ने कितना किया 224 पर ऑल आउट हो गई 40 ओवर में। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं सेमीफाइनल यहाँ पर हुआ था, ठीक है, 21 जुलाई 2021 को ये खेला गया, 2023 को खेला गया था।
अगर आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो, इंडिया एक की टीम ने 211 बनाए थे 49 पॉइंट, आप मान सकते हो 50 ओवर में, और बांग्लादेश की ए टीम यहाँ पर 160 पर ऑल आउट हो गई थी। तो आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कॉमन, कि चेज करना कोई भी चेज़ नहीं कर पा रहा है, भले मान लो वो 250 से थोड़ा सा ऊपर गया, 270 बना आप मान सकते हो पाकिस्तान की ओर से, तो वो भी चेज़ नहीं हुआ आपकी अफगानिस्तान से। फिर यहाँ पर पाकिस्तान की ए टीम ने दोस्तों 300 मतलब इतना बना दिया, फिर तो आप मान सकते हो ऑल आउट हो ही जाएगी कोई भी टीम, क्योंकि 300 प्लस जाते हैं तो फिर बहुत प्रेशर आ जाता है, कोई सी अच्छी टीम भी हो वो भी चेज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है, बहुत कम चेज़ होता। फिर देखिएगा यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर 211 बनाए थे इंडिया एक की ने, तो यहाँ पर भी चेज़ नहीं हुआ बांग्लादेश की ये टीम से, ठीक है, पर इंडिया ये थोड़ा अच्छी थी इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। तो इतना याद रखिएगा, चेज़ नहीं हो रहा है इतना याद रखिएगा, मतलब पहला बैटिंग करते हुए अच्छी बैटिंग पिच होगी, सेकंड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पर बल्लेबाज सेट होगा तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लास्ट पाँच मैचेस के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट इनिंग का स्कोर यहाँ पर है 240, सेकेंड इनिंग का 215 है, मतलब डिफ़िकल्ट दिखा रहा है, इतना याद रखिएगा। अब देखिएगा जो लास्ट मैच की दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11 थी, ठीक है, मैं पाकिस्तान वाले मैच की बात कर रहा हूँ, नेपाल की नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो सुपर ए का है दोस्तों, ये पहला मैच होने वाला है इंडिया का, तो इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी ये मान सकते हो जो लास्ट मैच में इंडिया की ओर से खेले थे वही हो सकता है, ज़्यादातर जब बुमराह वापस आ जाएंगे तो वो भी पक्का खेलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी जो दोस्तों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होने वाली, वो देखिएगा, इनका एक मैच हो चुका है सुपर यहाँ पर 4 में, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप मान सकते हो कि यहाँ पर जो लास्ट मैच हुआ था बांग्लादेश से, तो वहाँ पर मोहम्मद नवाज़ नहीं खेले थे, फहीम अशरफ खेले थे। तो आप मान सकते हो यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ खेलने वाले हैं, या तो फहीम अशरफ, बहुत कम चांस है उनका कि वो खेलेंगे, नहीं तो मोहम्मद नवाज़ ही खेलेंगे, क्योंकि बैटिंग अच्छी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आपके जो फहीम अशरफ हैं वो भी बैटिंग तो कर लेते हैं, पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फिर मोहम्मद नवाज़ अच्छे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये प्लेइंग 11 होने वाली है और सेम टू सेम होगी। चलिएगा आप सबसे पहले हम टीम देख लेते हैं, किसे तीन टीम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली टीम में दोस्तों आपको विकेट कीपर में 2 बल्लेबाज मिल जाएंगे आपके, यहाँ पर ईशान किशन और मोहम्मद रिजवान, तो मोहम्मद रिजवान को रख रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। आप चाहो तो ईशान को भी रख सकते हो, पर बेस्ट अगर आप फॉर्म में देखोगी तो आपकी मोहम्मद रिजवान है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ईशान किशन ने लास्ट मैच में अच्छा किया था, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर मैच में चल जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ऐसे तो विराट कोहली भी नहीं चलते ज़्यादातर, तो मतलब ज़्यादातर चलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ चलते हैं, पर हर मैच उनसे उम्मीद करोगे तो फिर वो भी नहीं चलते। लास्ट मैच में वो आउट इसलिए हो गए थे क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि पाकिस्तान के साथ 100 मैच भी होंगे तो 100 के 100 मैच में तो वो नहीं चलेंगे, 10 मैच तो पक्का फ्लॉप होंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, विराट कोहली को रख रहा हूँ, अब मैं कैप्टन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिर रिस्क रहेगा, थोड़ी बॉलिंग अच्छी हो रही है इनकी पाकिस्तान की, ठीक है। तीनों बल्लेबाज जो बॉलर्स हैं उनके मैन नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, और यहाँ पर आपके हारिस शॉप, तीनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फॉर्म में चल रहे हैं, इतना याद रखिएगा। जब फॉर्म चला जाता है तो भाई बल्लेबाज आपको ज़्यादातर फ्लॉप होते हुए दिखाई देगा, और जब फॉर्म चल रहा होता है तो ज़्यादातर वो परफॉर्मेंस दे देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विराट कोहली को सिर्फ रख रहा हूँ, कुछ बना नहीं रहा हूँ। बाबर आजम को दोस्तों ज़्यादातर आपने देखा होगा इंडिया के खिलाफ ज़्यादातर नहीं चलते हैं, पर फिर भी रख लीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करते हो, लास्ट मैच में अच्छा खेल रहे थे पर जल्दी कर रहे थे तो इसलिए आउट हो गए थे। अभी हमें इमाम उल हक को रखा दोस्तों, ठीक है, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था यहाँ पर आपकी बांग्लादेश के खिलाफ, पर यहाँ पर अब वो टीम थोड़ी हल्की थी पाकिस्तान से, आप थोड़ी नहीं ज़्यादा ही हल्की मान सकते हो, पर अगर आप इनसे कंपेयर करोगे इंडिया और पाकिस्तान का, तो यहाँ पर तो थोड़ा प्रेशर अलग ही होता है, मतलब ठीक है पॉलिटिकल जो होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मतलब प्रेशर इसीलिए होता है, तो यहाँ पर प्रेशर गेम होने वाला और टॉप ऑर्डर आउट हो सकता है पाकिस्तान का भी। अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करे तो पक्का टॉप ऑर्डर हटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अमन सर्कल बना कर रखा है, तो आप एक चेंज करना चाहो तो इतना कीजिएगा कि इमामुल हक को हटा के ईशान किशन को रख लीजिएगा विकेट कीपर सेक्शन में, मैं ड्रीम इलेवन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशन पर भी आप रख सकते हो, क्योंकि 3 बल्लेबाज रखना ज़रूरी होता है वहाँ पर, तो भी आपके ईशान किशन ऊपर आ जाएंगे आपके इमामुल हक को हटाओगे तो, ठीक है, क्योंकि 3 बल्लेबाज आपके हो रहे हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, शादाब खान को रखा, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर ये आपको 2 विकेट दे दें, और उसके बाद अगर इनकी बैटिंग आती है तो थोड़ा बहुत बैटिंग से आपको कंट्रीब्यूट कर दें, और अगर यहाँ पर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो भी आप कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि अच्छा रहेगा,
कि अगर ऊपर से जल्दी आउट होते हैं तो थोड़ा बहुत आपको बैटिंग से दे देंगे और एक आध दो विकेट तो पक्का दे देंगे अगर पूरे ओवर डालेंगे तो। अगर पूरे ओवर नहीं डालेंगे तो आप मान सकते हो फिर मतलब एक आध विकेट मुश्किल से मिलेगा। शादाब खान को सिर्फ रख रहा हूँ मैं, विकेट एक आध मिल जाएगा क्योंकि अगर आप इनको मतलब इन बॉलर्स से बचोगे आप पेसर्स से, तो फिर आप स्पिनर्स को टारगेट करोगे और वहीं पर एक आध विकेट जा सकता है, इतना याद रखिएगा इंडिया का, ठीक है। और फिर शादाब खान की अगर बैटिंग आ गई तो फिर वो आपको बैटिंग से थोड़ा बहुत वहाँ से भी पॉइंट दे देंगे, मतलब ड्रीम टीम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप देखिएगा दोस्तों कैप्टन यहाँ पर एस अफरीदी को कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं और सब उम्मीद भी इनसे करेंगे इंडिया की ओर से भी, ठीक है। मतलब पाकिस्तान पूरी इनसे उम्मीद लगा के रखी है कि ऊपर का टॉप ऑर्डर, वैसे भी जो मैंने बल्लेबाज नहीं रखे आपको रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तो ऊपर से मैं चाहूँगा ये आपके कैप्टन बना रहा हूँ, तो मतलब ऊपर से दो बैटिंग जो आपके इंडिया के आउट होंगे वो ये दो विकेट ले लें, उसके बाद डेथ में एक और विकेट ले लें तो बहुत कम चांस होगा इनसे ऊपर कोई निकल जाए पॉइंट्स में, क्योंकि आपको कोई भी बैट्समैन को इतना पॉइंट देने होंगे तो याद रखिएगा उसको मतलब आपके 50 से हाफ सेंचुरी के बाद वो इतने पॉइंट देगा, उससे पहले अगर आउट हो गया 30-40 बार तो फिर नहीं देगा इतना, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नसीम शाह को रख रहा हूँ और यहाँ पर हारिस शॉप को रख रहा हूँ, तो इन ये आपकी फर्स्ट टीम होने वाली है। कैप्टन और वाइस कैप्टन याद रखिएगा दोस्तों, एस अफरीदी और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, फर्स्ट टीम है ये, ठीक है। एक चेंज करना चाहो तो इमामुल हक को हटाकर ईशान किशन को आपको विकेट कीपर में रख लेना है। सेकेंड टीम दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को रख रहा हूँ, ठीक है, फिर से, क्योंकि ईशान किशन अच्छा किया है पर इसका मतलब ये नहीं होता हर मैच में चल जाएंगी। अब देखिएगा विराट कोहली से उम्मीद करूंगा, इंडिया पहला इस टीम में मेरे हिसाब से बैटिंग करेगी और यहाँ पर दोस्तों आपका विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करें, लास्ट मैच में फ्लॉप हो गए अब इस बार ना हो ऐसा उम्मीद हम सब करेंगे। उसके बाद देखिएगा बाबर आजम को सिर्फ रख रहा हूँ, कुछ बनाइएगा मत क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के खिलाफ वो ज़्यादातर नहीं चलते हैं, चलेंगे पर इसका मतलब ये नहीं चलेंगे कि मतलब नेपाल के खिलाफ उन्होंने 151 बना दिए थे इतने बना देंगे, इतने इसका आधा भी नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, इतना बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। श्रेयस अय्यर दोस्तों यहाँ पर आप रख लीजिएगा अच्छे फॉर्म में, मतलब लास्ट मैच में आउट हो गए थे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, और उसके बाद बैटिंग ही नहीं आई थी। रविंद्र जडेजा को दोस्तों वाइस कैप्टन कर रहा हूँ क्योंकि हार्दिक पांड्या ओवर डालें ना डालें पर आपके रविंद्र जडेजा पक्का 10 ओवर डालने वाले हैं, तो दो विकेट पक्का दे देंगे, अगर बैटिंग आई तो वहाँ से भी आपको कॉन्ट्रीब्यूट इस बार कर देंगे, लास्ट टाइम नहीं हुआ था, ठीक है। हार्दिक पांड्या को सिर्फ रख रहा हूँ, शादाब खान को रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये तो मतलब वही लास्ट मैच में मतलब जो लास्ट टीम थी उसमें भी थी। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों कुलदीप यादव को रखा है, मोहम्मद सिराज को रखा है, पर यहाँ पर एक चेंज दे रहा हूँ आप सभी को, अगर करना चाहो तो मोहम्मद सिराज को दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये रन्स खाएंगे ये विकेट नहीं लेंगे तो फिर आप जे बुमराह को रख सकते हो, और अगर आप फिर जे बुमराह को रखोगे तो मोहम्मद सिराज को हटा दीजिएगा, ठीक है, जे बुमराह को रख लीजिएगा। और वैसे अगर आप ये सोचो कि उनसे वो बचने जाएंगे जे बुमराह से तो फिर मोहम्मद सिराज को टारगेट करेंगे तो वहाँ पर फिर उनको विकेट मिल सकता है, तो फिर आप एम सिराज को रख सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। एस अफरीदी और हारिस शॉप को रखा है इस टीम में, तो ये सेकंड टीम होने वाली। कैप्टन और वाइस कैप्टन याद रखिएगा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, वाइस कैप्टन, ठीक है, ये सेकंड टीम है, एक ही चेंज बताया उतना कर लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों ये थर्ड टीम होने वाली है, विराट कोहली को दोस्तों कैप्टन कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन आपके बाबर आजम को कर रहा हूँ, बहुत कम चांस है कि वाइस कैप्टन बन जाए पर फिर भी थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आप चाहो एक वाइस कैप्टन, अगर मैं आपको इससे बेस्ट बताना चाहूँ दोस्तों इस टीम में, तो आप मोहम्मद रिजवान को कह सकते हो क्योंकि बाबर आजम ज़्यादातर इंडिया की खिलाफ बिल्कुल नहीं चलते, आप ये मान सकते हो, मतलब चलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो कभी नहीं चलेंगे, पर हाँ चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते, पर ज़्यादा चांस जो जिसका लग रहा है वो आपके मोहम्मद रिजवान का लग रहा है क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर ईशान किशन को रखा है दोस्तों, एक अगर मैं चांस आप सभी को देना चाहूँगा तो याद रखिएगा यहाँ पर इमामुल हक को रख लीजिएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहोगे इत्तफ़ार अहमद रखा है पर उनको मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, तो आप एक चेंज करना चाहो तो इमामुल हक को रख लीजिएगा, ठीक है, इत्तफ़ार अहमद को हटाकर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे उसके बाद रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये तीनों के तीनों सेम हैं आपके लास्ट टीम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मोहम्मद सिराज, एस अफरीदी और हारिस शॉप, ये आपकी थर्ड टीम होने वाली है। तो यहाँ पर वाइस कैप्टन दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, आप अहमद रिजवान को ज़्यादा ट्राई करने की पक्का कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो बहुत बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आप बाबर आजम को देखोगे तो वो ज़्यादातर कैप्टनसी का प्रेशर और जीतना हो क्योंकि उनको ही जवाब देना होगा, मोहम्मद रिजवान को नहीं देना होगा,
टीम पर होता है टीम गेम, पर जो मैन होता है वो कैप्टन को ही बोला जाएगा कि आप कैप्टनसी कर रहे थे, आपने कैसे कैप्टनसी की, ठीक है। तो इसलिए इस प्रेशर से वो आउट भी हो सकते हैं, तो आप अहम रिजवान को कर लीजिएगा इस टीम में, ठीक है, यहाँ देखिएगा। और एक चेंज करना चाहो टॉप ऑर्डर, अगर आप चाहो कि मतलब फ़कर जमान आउट होंगे उस आपके इतफ़ार अहमद की बैटिंग शायद ना आए, तो मतलब इंडिया पहला बैटिंग करे तो दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपकी टीम होने वाली है।